बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ भिंडी प्याज की सब्ज़ी, जो कि बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो भिंडी प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने उसमें भिंडी ली है 1 किलो, इसको अच्छे से धो लिया और बिल्कुल खुश्क कर लिया, इस पर पानी नहीं होना चाहिए। और खुश करने के बाद इसको 1 इंच के टुकड़ों में मैंने काट लिया हुआ है। और प्याज मैंने लिया है 1/2 किलो और इसको इस तरह स्लाइसेस की सूरत में कट कर लिया हुआ है। तो इसको अब पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। इसमें डाल देंगे हम प्याज और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको रफली काट लिया है वो भी। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे साथ ही। ये तमाम चीज़ें मैंने साथ कट्ठी ही डाल दी हैं। अब हम इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक के टमाटर सॉफ्ट हो जाए और साथ प्याज का जो कलर है ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं हमने देना, बस प्याज को गलाना है हमने। और थोड़ा तेज़ आँच पर इसकी भुनाई करेंगे हम जी। तो मसाले की होगी है बनाई, आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, वो साथ ही मिक्स हो गए हैं इसमें। और प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गया। तो अभी इसमें हल्की हल्की सी नमी है, हमने इस नमी को खुश्क करना है, ठीक है। तो इस नमी को खुश्क करने से पहले हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये 1/2 टेबल स्पून डाल दूँगी मैं नमक, 1 टेबल स्पून डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर और ये 1/2 टीस्पून हल्दी। बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे, बाकी नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं आपने डालना, इसी तरह आपने इसकी भुनाई करनी है। और जो थोड़ा बहुत पानी प्याज में रह गया है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा साथ। मसाले की हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। इसमें अब हम डाल देंगे भिंडी और भिंडी के साथ ही हम 1 अदद लेमन निचोड़ देंगे इसमें। लेमन मैंने इसलिए निचोड़ा है कि भिंडी छोड़ती है लेस, ठीक है। तो लेमन निचोड़ने से ये लेस बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो अब इसकी तकरीबन थोड़ी सी तेज़ आंच पे, यानी कि मीडियम हाई आंच पे तकरीबन 3 मिनट इसकी भुनाई कर लें जी। तो भिंडी की बुनाई करने के बाद हम इसका लगाएंगे दम। तो दम लगाने से पहले इसमें ये 6-7 साबुत हरी मिर्चें डाल दें और अब इस पे रख दें ढक्कन और आंच बिल्कुल दम वाली कर दें और इसको 10 मिनट तक दम पे लगा रहने दें। 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए दम पे, माशाल्लाह से भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत हल्के हाथों से इसको हलाएं क्योंकि बहुत नाजुक होती है और ये टूट जाती है। अगर इसमें नमी हो तो आप थोड़ा सा ना एहतियात से चम्मच चला के तेज़ आंच पे इसका पानी इस तरह चम्मच हल्के हल्के हाथों से खुश्क कर लें इसको हला के, बस। तो भिंडी अब हम चेक कर लेते हैं। एक माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गई, ठीक है। तो चूल्हा कर देते हैं हम बंद। तो इस पर डाल देंगे धनिया। तो ये भिंडी प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है और बहुत ही कम मसालों में ये बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।